नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरोकार में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुजहत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा रहेगी बच्चों को परेशान हो रहे बच्चे और माता पिता के पास समय का अभाव। बच्चों से बढ़कर माता पिता के लिए दुनिया में दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। उनकी खुशी और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। हर माँ बाप की ये हसरत होती है वो हर सुख सुविधा अपने बच्चों को दें। माता पिता की कोशिश रहती है वो अपने बच्चों को हर वो चीज़ मुहैया कराएं जो उन्हें हासिल नहीं हुई, चाहे वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो या वीडियो गेम्स, आलिशान बर्थडे पार्टी हो या विदेश की सैर। बच्चों को बिना मांगे बहुत कुछ मिल रहा है और बिना चाहे मिल रहा है, लेकिन सिर्फ भौतिक सुविधाएं देने से अभिभावकों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। ये सोच बच्चों के साथ साथ सभी की होती है। बचपन में बच्चों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है माता पिता का अमूल समय। चूंकि आज के समय में जब माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं तो ऐसे में बच्चों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। समय का अभाव कहीं ना कहीं बच्चे और माता पिता के आपसी रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर आप भी इसी समस्या से हर दिन जूझ रहे हैं तो चलिए जानते हैं बिजी लाइफ में बच्चों के लिए समय कैसे निकालें, बच्चों को कैसे समझाएं कि आज अगर उनके पास वक्त की कमी है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं उनका उज्ज्वल भविष्य है। इसी पर है हमारी चर्चा। इस चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ हैं शिखा रस्तोगी मैडम जो कि काउंसलर हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ हैं सत्यकांत त्रिवेदी जो कि मनोचिकित्सक हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता समर खान जी भी हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। सबसे पहले सत्यकांत जी आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमने बात की, समय का अभाव माँ बाप के पास भी है और बच्चों के पास भी है, पर बच्चों की ये सोच होती है कि माँ बाप हमें वक्त नहीं देते, उनमें कहीं गुस्सा होता है, कहीं चिढ़ होती है, और माँ बाप का ऐसा सोचना है कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छा समय दें, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो समय नहीं निकाल पाते अपने बच्चों के, क्योंकि आज की जो ज़रूरतें हैं बच्चों की उसको पूरा करने में उनका काफ़ी समय काम में निकल जाता है। कैसे देखते हैं आप, क्या ये जो इम्बैलेंस माता पिता और बच्चों में दिखाई देता है वो क्या वजह दिखाई देती है? कि सबसे पहले तो मैं डीएन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा ही सकारात्मक विषय चुना जिस पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बात नहीं करते। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप देखें कि पूरा का पूरा समाज जो है वो बाजारवाद की चपेट में चल रहा है। इस चपेट की वजह से हम जैसा हमारा पड़ोसी कर रहा है, जैसा हमारा जान पहचान वाला कर रहा है, उनके बच्चों ने फलाने इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे उनको ये एक्टिविटीज़ कराई जाती है, वो एक्टिविटीज़ कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। इसकी वजह से हमें बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है और इसी साइकोलॉजी का जो शिक्षा का बाज़ार है वो लाभ उठाता है और अपनी जो शिक्षा का जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ा देता है और उसके लिए एक गला काट प्रतियोगिता में माता पिता को आना पड़ता है। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मैडम शुरुआती दौर में कि हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चों को संघर्ष न करना पड़े, उसने जो देखा जो अभाव देखे वो उनके बच्चों को नहीं देखना पड़े। बर्नार्ड शॉ ने बहुत समय पहले कहा था कि आज के जो माँ बाप हैं वो सबसे बड़ी गड़बड़ी वो ये कर रहे हैं कि वो ये खुद भूल गए हैं कि आज जो उनमें तेजी, जो आत्मविश्वास, जो एक काम करने के प्रति जो ललक है वो इस वजह से है, वो उनके संघर्षों की वजह से है। और हम बच्चों में वही संघर्ष डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम उनको रेडीमेड तश्तरी में बनी हुई चीजें दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक घातक रूप लेता जा रहा है। इसकी वजह से बच्चों में जरा सा भी संघर्ष की टेंडेंसी डेवलप नहीं हो पा रही है। इवन वो ये बात भी नहीं समझ रहे हैं कि उनके माँ बाप जो काम कर रहे हैं वो उनकी सुख सुविधाओं या उनके अच्छे शैक्षणिक जीवन या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो ये बात है कि हमारी पेरेंटिंग में ही कुछ फ्लॉ है जिसको हम सही ढंग से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज से हैं, शायद हमें पता नहीं है या पता भी है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम भी बाजारवाद की चपेट में आते जा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम पेरेंटिंग संबंधी जो बातें हैं उसको बहुत अच्छे से समझें, चाहे वो अपने बुजुर्ग लोग हैं जो आपके पेरेंट्स रहे हैं या आप काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं ताकि आपका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके और आप जो एक इस नश्वर जीवन में अपने परिवार को समय दिया जाना चाहिए वो दें। मुझे लगता है कि जो मैं कहता हूं कि 8 घंटे अपनी फैमिली के साथ बिताने चाहिए, 8 घंटे कामकाज में और 8 घंटे सोना चाहिए। इस 24 घंटे में काफी ज्यादा इम्बैलेंस डेवलप हो गया है जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल शिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों में ये समझ धीरे धीरे खत्म हो रही है कि वो जो माँ बाप उनके काम कर रहे हैं वो उनकी जरूरतों के लिए ही कर रहे हैं, उसको वो समझना नहीं चाहते,
किस तरीके से उनको ये समझाया जाए कि माँ बाप उनके उज्जवल भविष्य के लिए ही ये कोशिश कर रहे हैं सारे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बच्चे इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे हैं कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे वो नहीं चाहते जो पेरेंट्स कर रहे हैं, फिर भी उनको मजबूरी में उन हालात से समझौता करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो घर का माहौल हो वो बहुत अच्छा हो। एक फैमिली एनवायरमेंट में एक रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जहाँ पर वो एक दूसरे की बातों को समझ सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और बचपन से ही बच्चों को हर बात शेयर करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स उनको बताएं। इसके साथ ही बच्चों की राय लें, और जब बच्चों की आप राय लेंगे तो बच्चे उससे अपना लगाव महसूस करेंगे। पेरेंट्स को किसी काम के लिए बाहर जाना है या ज़्यादा समय बाहर रहना पड़ता है, तो बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताएं और बच्चों की राय लें, तो बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और एक लगाव महसूस करेंगे कि हाँ, मैं भी इतना इम्पॉर्टेंट हूँ कि मेरी भी ओपिनियन ली जा रही है। अगर ऐसा होगा तो पेरेंट्स निश्चित रूप से अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम दे पाएंगे, और बच्चों की शिकायतें जो पेरेंट्स के प्रति हैं कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं हमारे लिए और हमको सुविधाएं नहीं, हमको समय चाहिए, आप कितने भी पैसा ला करके समय को नहीं खरीद सकते हैं। और बच्चों को आजकल समय की ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स की, और परवरिश के लिए समय ही ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को भी एक अच्छा सा शेड्यूल बना करके उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बच्चों के साथ समय भी बिताएं और अपने कामों को भी करें, जिससे ना ही बच्चों को शिकायत होगी ना पेरेंट्स को शिकायत होगी। समर जी, जैसा कि अभी मैडम ने बात की थी कि समय का एक शेड्यूल बना लें, निश्चित समय हो जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ बैठें, एक समय हो खाना खाएं। मान लीजिए कि ये समय निश्चित भी हो जाता है, तो वो जो समय होता है क्या उसका सही उपयोग बच्चों की अगर बात करें तो वो करते हैं, या माँ बाप की अगर बात करें तो वो कर पाते हैं क्या? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जरूरी नहीं है कि वर्किंग पेरेंट्स ही समय बच्चों को नहीं दे पाते। कई बार हमने ये देखा है कि ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो हम उनको समय दे रहे हैं तो वो हम उनको क्वांटिटी टाइम दे रहे हैं कि क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। हो सकता है कि उस समय में हम बच्चों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, उनको क्या बता रहे हैं, हम अपने संस्कार उनमें डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि पहले ऐसा होता था कि सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं मोबाइल के दौर में या व्हाट्सएप बात करें अगर कि एक समय तो मिलता ही है परिवार को एक साथ बैठे। अगर रात की बात करें तो जो रात के खाने की बात होती है वो भी समय उनको मिलता है वो भी, लेकिन उसमें भी आजकल ज्यादातर आप देखें कि मोबाइल ने हमको ऐसा कर दिया कि कहीं फादर हैं तो वो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या मदर हैं तो वो लगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बच्चों को समय दे रहे हैं तो अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी समय वो घर में बच्चों के साथ बिता रहे हैं तो वो सबसे पहले तो इन सब गैजेट से बिल्कुल दूर होके वो पूरा समय बच्चों को अच्छे से दें, उनसे बात करें, दिन भर उन स्कूल में जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बारे में सुने, आज स्कूल में कैसा हुआ, मैम ने क्या करा, उसके अलावा उनके दोस्तों के बारे में पूछें, छोटी छोटी बातें उनसे भी शेयर करें अपनी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हम पेरेंट्स को अपनी परेशानी भी बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यकांत जी, जैसा कि अभी बात की कि गैजेट्स को अलग रख दें, दूर कर दें, जो समय मिलता है, जो अगर बात करें कि 8 से 10 घंटे उनके काम में जाते हैं, उसके बाद जो समय परिवार को मिलता है एक साथ वक्त बिताने का, तो उस वक्त क्या सोशल मीडिया भी कहीं दिखाई देती है कि वो वक्त भी सोशल मीडिया खा रहे हैं उनका? निश्चित तौर पर। इससे भी पहले अगर हम बात करें मैडम, तो मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता को सबसे पहले अपने परिवार की प्राथमिकता डिसाइड करनी चाहिए कि उनकी आर्थिक जो आवश्यकता है वो कितनी है, उसके हिसाब से अपनी जो कार्यशैली है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। कई बार हम ये बिना सोचे समझे ही बहुत सारे कामों में उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि कुछ आजकल कामों की भी प्रकृति ऐसी हो गई है जिसमें आपको व्हाट्सएप पे अपने बॉस का ऑर्डर देखना है, या कोई भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ मामला जिसमें आपको सोशल मीडिया या सपोज आपको ईमेल जीमेल जो भी है चेक करना है, तो ये भी हमें डिसाइड करना जरूरी है कि हमें कितना करना है, कहाँ पे कितना समय देना है। सबसे पहले ये डिसाइड करने की बात आ जाती है। कई बार लोग ऐसा डिफेंस यूज करते हैं कि मुझे तो काम पड़ जाता है इसलिए मैं गूगल चलाने लगता हूँ या फेसबुक चलाने लगता हूँ। तो जब हम सबसे पहले प्राथमिकता डिसाइड नहीं करेंगे तो हम उलझे हुए रहेंगे, हमने खुद ने ही अपना जीवन उलझा के रखा है। और जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया बहुत सारा टाइम खराब करता है। हम ऑफिस घर से जाने के बाद भी अपना बहुत सारा समय
व्हाट्सएप या फेसबुक में गुजारते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों से सीधे बात नहीं कर पाते। हाँ, हम उन्हें खाना मुहैया कराना, जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो हम उनको देते रहते हैं, लेकिन जो आई कांटेक्ट के साथ बात होना, उस पर विजिलेंट होना, उसके बिहेवियर पर, उसके शरीर पर निगरानी की, चोट लगी है नहीं लगी, आप कैसे दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, ये सब बातें काफ़ी ख़त्म सी हो जाती हैं। और बच्चा सुबह स्कूल चला जाता है और फिर से जॉब में चले जाते हैं, फिर रात में आते हैं, फिर से सोशल मीडिया का यूज़, और ये साइकिल चलती ही रहती है। और हम अपने घर में एक मानसिक रोगी तैयार करते रहते हैं, जिस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा वार्म्थ की ज़रूरत होती है वो हम नहीं दे पाते। बिल्कुल शिखा जी, अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप परेशान होते हैं कि वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, कोशिश करते हैं कि वक्त दें पर मजबूरी होती है उनकी, और जो वक्त वो देते हैं तो क्या वो वक्त जो है उनका उसको सही तरीके से, क्या स्कूल की बातें करके, उनकी पढ़ाई लिखाई की बातें करके, या उनके और दूसरे जो काम होते हैं उनके बारे में पूछकर उस वक्त को गुजारना सही है, या आपके हिसाब से क्या सही रहेगा जो भी वक्त उनको मिलता है? देखिए, अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वक्त तो देना ज़रूरी है और उनकी दिनचर्या को जानना भी ज़रूरी है, और हम क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी टाइम की ज़्यादातर देखा जाता है। माँ बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो सबसे पहले स्कूल में पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ाई की, क्यों नहीं पढ़ रहा, इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या ये सही है इस तरह की बात? देखिए, कई बार पेरेंट्स आजकल ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं बच्चों से, और वो हर समय कोशिश ये रहती है कि उनका बच्चा टॉप पर आ जाए, उनका बच्चा टॉप पर रहे हर एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। हर बच्चे के साथ ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हर बच्चे का एप्टीट्यूड कैपेबिलिटी अलग अलग होती हैं। तो पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स हर बच्चे से अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेगा तो वो गलत होगा, और इससे बच्चा जो है धीरे धीरे स्ट्रेस में जाने लगेगा, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हम मानसिक रोगी अपने घर में बना रहे हैं। तो बच्चे को हमें खुशनुमा माहौल देना होगा, एक अच्छा हम समय व्यतीत करें, हम स्कूल की भी बात करें, घर की भी बात करें, अपनी बातें भी हम बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चे इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि पेरेंट्स हमारे क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, या वो किन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी हमारे साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का एक कर्तव्य होता है संस्कार देना, तो संस्कार देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पुस्तक का पाठ करें या कुछ करें, संस्कार बातों बातों में, खेल खेल में भी दिए जा सकते हैं, जिसका पेरेंट्स को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार माँ बाप समझते हैं कि हम अपनी ये परेशानी अपने बच्चों को बताएंगे तो वो परेशान होंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, तो क्या जो परेशानी वो बाहर फेस करते हैं उसको भी अपने बच्चों से उन्हें शेयर करनी चाहिए? बिल्कुल शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे इस चीज़ को समझने लगे, वैसे बचपन से ही बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं, माँ अगर उदास बैठी है तो बच्चा भी इतना कैपेबल होता है कि वो आके माँ से पूछेगा आप क्यों उदास हो, आप क्यों परेशान हो, तो इसका मतलब बच्चा भी माँ के इमोशंस को समझ रहा है। छोटी उम्र से बच्चे पेरेंट्स के इमोशंस को समझते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है पूरी बात नहीं बता सकते तो आप कुछ हद तक कुछ बातें ये बताएं, जिससे बच्चे को एक इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ हमारे पेरेंट्स परेशान हैं, हम उनके साथ किस तरीके से बिहेव करें, या जो पेरेंट्स कह रहे हैं अभी आप चोर मत करो, अभी आप ये मत करो, आप अभी ऐसा कर लो, हम कल आपके साथ बात करेंगे या कल आपके साथ मार्केट चलेंगे, तो इसमें बच्चे को अपने आप को कोप अप करने में आसानी होती है। तो एक लिमिट तक पेरेंट्स को बच्चों के साथ अपनी बातें जरूर शेयर करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बच्चा उस चीज को समझेगा, बिल्कुल उनको समझाना भी चाहिए। बिल्कुल समझिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की और बच्चों की, सबसे ज्यादा अगर बात करें कि कौन ज्यादा परेशानी का सामना कौन कर रहा है, बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं या माँ बाप भी कहीं परेशान दिखाई देते हैं? अब देखिए, अगर पेरेंट्स में बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो माँ ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि अगर हम एक फादर को देखें तो वो ऑफिस से आएगा और ऑफिस से आने के बाद वो भी माँ अपनी वाइफ से ही खाना मांगेगा और बच्चे भी उन्हीं से मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक मदर का रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कहीं पिस्ते से दिखाई देती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एज अ काउंसलर भी हम देखते हैं कि जो एक एज ग्रुप होता है, अगर आप जन्म से देखें तो जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उस वक्त उसको माँ चाहिए होती है, उसके बाद फिर उनका ग्रुप बनते हैं कि उनके फ्रेंड्स बन गए, फिर आगे लाइफ पार्टनर्स आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 16 साल तक हर व्यक्ति अपनी माँ, हर प्रॉब्लम माँ से शेयर करता है, तो माँ के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, उसके ऑफिस की इतनी सारी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बस एक गलती ये होती है कि मैंने देखा है पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि वक्त का जो कंपनसेशन होता है ना, वो थ्रो वो
उनको कुछ मनी से करते हैं तो वो सबसे गलत चीज हो जाती है। हम हर चीज का कंपनसेशन हमको सरकार की तरह नहीं देना चाहिए कि नहीं अगर हमने ये टाइम नहीं दिया या आज हम तुम्हारे साथ मूवी नहीं जा पाए तो ठीक है हम तुमको कल ये वाला गेम दिला देंगे या कर देंगे। तो इससे मैंने देखा है कि बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टूवर्ड्स लाइफ हो जाते और उनको लगता है कि हर चीज़ की जगह कहीं ना कहीं मनी है। तो वो चीज़ को भी हमें समझना है कि हमें बच्चों को समझाना है कि ठीक है अगर हमने आपको कल समय नहीं दिया था तो कहीं ना कहीं हम बिजी थे और हम उससे अगले टाइम वो समय बिताएंगे आपके साथ वहाँ चलेंगे लेकिन उसके लिए हम उनको एज ए कंपनसेशन कुछ और ना दें। तो हम कहीं ना कहीं वो ग्रीड बच्चे के अंदर ना पैदा करें, ये तो मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, कई बार हम उनसे वादा करते हैं और फिर वक्त नहीं निकाल पाते जिससे बच्चे भी चिढ़ते हैं और माँ बाप भी परेशान होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप बने रहें डीएनएन के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी खास चर्चा सरोकार में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ज्यादा प्रभावित आपके नजरिए से कौन दिखाई देता है, बच्चे या माँ बाप? मुझे तो लग रहा है कि बच्चे आपके परिवार का दर्पण होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कामकाजी एज ग्रुप है वो ज्यादा परेशान है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, इवन आपने बात करी कि टाइम देने वाली बात है, मुझे ऐसा लग रहा है जो पेरेंट्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनके बीच में भी काफ़ी खींच झगड़े इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से कई बार पार्टनर भी डिप्रेशन में है और जो रूटीन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो घर की जो महिला होती है वो कहीं महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य बेहद बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उनमें एंजाइटी, हिस्टीरिया, नींद की समस्याएं और डिप्रेशन काफ़ी कॉमन होता जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 10-12 बजे सोना है, 4 बजे फिर से उठना है क्योंकि बच्चे को सुबह स्कूल भेजना है, तो बहुत सारे प्रेशर से महिलाएं जूझ रही हैं और इसका दुष्प्रभाव है जो ओवरऑल पूरी फैमिली पे पड़ रहा है। और एक बात और अच्छी यहाँ से डीएनएन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप अगर आपको अपने बच्चे से इस्टेब्लिश बहुत अच्छा करना है उसका तरीका सिंपल ये है कि जो आपके माता पिता हैं उनके आप अपने से आप अच्छे संबंध कीजिए क्योंकि बच्चों के मामले में सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा देखता है वही यूजुअली अडॉप्ट करता है। तो अपने माँ बाप से खुद के भी रिलेशन बहुत अच्छे रखें, उसका भी बच्चों परिवार हो तो शायद ये भरपाई। जी हाँ, इवन अगर संयुक्त नहीं भी है तो जो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हमारी संवाद शैली है अपने माता पिता के साथ, वो भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं आजकल कंफ्यूज्ड हैं, हमारे अपने माँ बाप के लिए भी हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए समय निकाल पा रहे हैं। तो प्राथमिकताएं डिसाइड करके सबको बराबर महत्व देना बहुत ज्यादा जरूरी है और पेरेंटिंग के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ सेम वही रूल फॉलो करिए जैसे आप पाले गए हैं, उसमें आप चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट साबित हो, ऑलरेडी टेस्टेड ओके, आपके पास एक मॉडल है खुद की पेरेंटिंग का, आपके माता पिता ने जो मॉडल फॉलो किया अगर वो आपको लगता है सही है, आपको बढ़िया परवरिश मिली है तो उससे बिल्कुल मत हटिए। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आजकल माता पिता समय ना दे पाने की वजह से एक गिल्ट में है, तो उस गिल्ट को दूर करने के लिए वो वीकेंड्स मनाने का कल्चर या मटेरियलिस्टिक चीजें देने का कल्चर है, इसमें आप बाजार की चपेट में मत आइए। जो बच्चे के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं वो एक अच्छा संवाद है, इससे इतर कुछ भी नहीं। अपने पार्टनर से अच्छे से बात करें, बच्चों से अच्छे से बात करें और स्पेशली जो मेल पार्टनर है उसे फीमेल के मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है क्योंकि समहाउ वर्किंग जो कैपेसिटी है उसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, उनके भी मानसिक स्वास्थ्य का काफी ज्यादा ध्यान रखें। बिल्कुल शिखा जी, जैसा कि देखा जाता है टीनएजर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा रोष दिखाई देता है माँ बाप को लेकर, उनका ये मानना होता है कि हमारे माँ बाप हमें समय नहीं देते और फिर वो अपनी राह से भटक जाते हैं जी। क्या वजह रहती है या किस तरह इस भटकाव को सही राह दिखाई जाए? देखिए, मैं चूँकि एजुकेशन फील्ड से हूँ और पेरेंट्स और बच्चों के टच में काफ़ी रही हूँ तो बहुत बार ये चीज़ें देखने को आती हैं। पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि बच्चा हमसे दूर होता जा रहा है और बच्चे की कंप्लेन होती है कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे, जो कि आगे बहुत खतरनाक हो जाती है। टीनेज का जो पीरियड होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है बच्चे की लाइफ में, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग इसे प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूँ समझना चाहिए कि ये एक बहुत बेहतरीन समय होता है बच्चे का, जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा होता है। इसके साथ ही कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे में, और उन सब के बीच में बच्चा एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। वो माँ बाप से हटकर अपनी छवि बनाना चाहता है कि मैं हूँ एक, मेरी एक अपनी पहचान है, मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है। तो उसमें बच्चा थोड़ा सा कई बार माँ बाप से दूर होता है। उसका रीज़न यही होता है कि वो मैं वाली एक फीलिंग बच्चे में आने लगती है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपनी पहचान बनानी है, अपने लिए कुछ करना है। तो पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए, बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चा जिस एज में है, ये जो उसका व्यवहार है वो उसका नेचुरल व्यवहार है। कई बार बच्चा एग्रेसिव भी हो जाता है, कई बार बच्चा आइसोलेटेड फील करता है। तो पेरेंट्स को, जैसा मैंने कहा, फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत सी समस्याएं इस पीरियड में आती हैं जो बच्चे हर जगह शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर माँ या फादर के साथ, जिसके साथ भी वो ज़्यादा ओपन है, अगर वो खुल के अपनी समस्याओं की चर्चा करेंगे तो उनको समाधान घर में ही मिल जाएंगे, बच्चे को भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, दोस्ताना रवैया अपनाएं, सहनशीलता रखें। संस्कार की अगर बात करें तो संस्कार भी, बच्चों को क्या सही क्या गलत, इसका सही तरीका अभिभावकों को भी समझाना चाहिए। बिल्कुल, हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला डीएनएन पर लगातार जारी है, आप बने रहें डीएनएन के साथ।